सो हे गाइस, आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं स्किन टोन फेस कलरिंग। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही आउटलाइन बना लिया है वेडनेसडे एडम, और हम लोग आज की पेंटिंग एक नॉर्मल पेपर पे ही बनाएंगे। जिनको नहीं पता है कि फेस कलर कैसे करते हैं, स्किन टोन कैसे दें, तो उनके लिए आज की वीडियो है। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं पहले फेस से। तो सबसे पहले हम बेसिक कलर यूज करेंगे। सबसे पहले हम रेड कलर लेंगे। रेड कलर में पानी थोड़ा ज़्यादा होगा, तो हम लोग रेड कलर को थोड़ा लाइटली यूज करेंगे। अगर हो सकेगा तो आप रेड कलर में थोड़ा वाइट कलर मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा हल्का और लाइट यूज करना है। ब्लू कलर, येलो कलर, वाइट कलर और रेड कलर को मिक्स करके एक फेयर स्किन टोन बनाएंगे। अभी मैंने जहाँ पर भी पेंट कलर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वो सब हाइलाइटेड पार्ट्स हैं, तो फेस में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिस पे लाइट आती है तो वो हाईलाइट होते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया को आपको छोड़ के बाकी सब एरिया को पेंट करते हुए चलना है। तो हम स्किन कलर में थोड़ा सा और वाइट कलर मिला के उसे और हल्का टोन देंगे, जिससे कि हम उसे हाइलाइटेड एरियाज पे कलर करेंगे, तो वो एरिया थोड़ा सा ब्राइट और थोड़ा हाइलाइटेड लगेगा। जहाँ पे थोड़े डार्कर शेड्स हैं, आप वहाँ पे थोड़ा सा बहुत हल्का एकदम लाइट ब्राउन यूज कर सकते हैं। स्किन टोन में आप स्किन कलर में थोड़ा सा ब्राउन यूज करके उस डार्कर एरिया को कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आईज ड्रॉ करेंगे, तो आईज में भी हम सबसे पहले उसका बेसिक कलर जो कि ब्राउन है, पहले हम ब्राउन यूज़ करेंगे। उसके बाद उसमें जो हाइलाइटेड एरियाज हैं, जो वाइट एरिया, उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद ब्लैक कलर लेंगे, ब्लैक कलर से भी उसे पेंट कर देंगे। उसकी जो आई लैशेज जो जा रही हैं, उसको भी उसे ड्रॉ कर लेते हैं। आईज पर थोड़ा सा मेकअप टाइप का लुक है, इसलिए थोड़ा सा रेड कलर दूंगी। और यही सेम स्टेप हेयर में भी, आईब्रो में भी होगा। आईब्रो में भी हम सबसे पहले ब्राउन कलर का यूज करेंगे, फिर उसके ऊपर से ब्लैक कलर का यूज करेंगे। और यही सेम चीज़ हम लोग हेयर्स में भी यूज करेंगे। सबसे पहले ब्राउन कलर का यूज करेंगे, फिर उसके ऊपर ब्लैक कलर का यूज करेंगे। हेयर्स को ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए आप वाइट पेंसिल कलर का यूज कर सकते हैं, उसमें स्ट्रोक्स देने के लिए। लिप्स में भी वही सेम है। सबसे पहले हम लोग रेड कलर लेंगे, तो उसको भी सबसे हम लाइटर शेड देंगे। लाइटर के
शेड देने के बाद उसके उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर मिलाएंगे और जो एरिया लिप्स में डार्कर है हम उसे उधर यूज करेंगे और जो एरिया थोड़े लाइटर हैं वहाँ पे वाइट कलर का यूज करेंगे थोड़ा। और लास्ट में जो ड्रेस बचा है उसको हम लोग पर्पल कलर करके उसके ऊपर वाइट कलर से OX लिख देंगे। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एज अ बिगिनर आपको किस तरह से फेस को पेंट करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, ऐसे ही आगे और अगर इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए ड्राइंग टिप्स से रिलेटेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।